क्लास 11 इंग्लिश। आज मैं एक लेटर बता रहा हूँ। ये लेटर है, लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग क्लीननेस। म्युनिसिपल कमिश्नर का मतलब क्या हो जाता है? नगर निगम कमिश्नर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लास 11 आज मैं एक आपको लेटर लिखा रहा हूँ, लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर या कॉरपोरेशन रिगार्डिंग क्लीननेस। नगर निगम कमिश्नर को और म्युनिसिपल कमिश्नर को सफाई क्लीननेस से संबंधित एक लेटर लिखा जा रहा है। इस लेटर के अकॉर्डिंग ये है, ठीक, हम किसको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, कमिश्नर करते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर कहलाता है, ठीक है। तो द म्युनिसिपल कमिश्नर जबलपुर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डेट डालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डेट डाला हुआ है। फिर मैंने उनको संबोधित करते हुए लिखा हुआ, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट वार्ड नंबर, ठीक है, तो आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड से रिलेटेड यहाँ की सफाई की समस्या है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट वार्ड नंबर दिस ऑफ जबलपुर इज नॉट बीइंग क्लीन प्रॉपरली, यह पूर्ण रूप से साफ नहीं हो रहा है। सिंस द लास्ट 10 डेज, ठीक, लास्ट 10 दिनों से ये पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। गार्बेज हैज बीन लाइंग इन डिफरेंट एरियाज, गार्बेज यानी गंदगी, इसका मतलब होता है गंदगी। हैज बीन लाइंग इन डिफरेंट एरियाज, लाइंग यानी पड़ी हुई है। स्कैटर्ड, स्कैटर यानी फैलना, तो गंदगी यहाँ पर डिफरेंट एरियाज में फैली हुई है। अराउंड द रोड विच इंक्रीजेज द पॉल्यूशन, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर पॉल्यूशन फैल रहा है। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। एंड मेकिंग द रोड स्मेली, स्मेली का मतलब होता है बदबू आना। ठीक है, गंदगी फैली होने के कारण हर जगह प्रदूषण फैल रहा है और बदबू आ रही है। वी हैव लॉग्ड सेवरल कंप्लेन, हमने वहां तक कई बार लॉग्ड यानी जारी किया है ना, अप्लाई किया, सेवरल कंप्लेन टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर, बट नो एफर्ट हैज बीन टेकन फॉर द सेम। हमने क्या कर दिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कई बार बताया है, ठीक है, वहाँ के वर्करों को, कार्य कर्मचारियों को कई बार बताया है, बट नो एफर्ट हैज बीन टेकन, लेकिन आज तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया। एफर्ट यानी क्या हो गया हमारे पास, प्रयास, प्रयास नहीं किया गया है फॉर द सेम, इसके लिए। जब हमारे पास वही कोई चीज होती है तो फॉर द सेम कर देते हैं। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड हेल्प अस इन दिस मैटर, हम इस मैटर में आपका धन्यवाद देते हैं, देंगे, अगर आप हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। एंड ऑल्सो लॉन्च एन इंटरिम इंटरनल प्रोब, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक आंतरिक जांच, ये क्या हो गया, आंतरिक जांच बिठाई जाए टू फाइंड द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम, इस सोर्स या ये समस्या का स्रोत कौन सा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आई रिक्वेस्ट यू
टू अर्जेंटली लुक इन टू दिस मैटर। मैं आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस समस्या को या इस मैटर को तुरंत ही ध्यान दीजिएगा बिफोर दिस टर्म डेडली। अगर ये डेडली है ना, अगर ये समस्या है ना बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, उसके पहले ही इस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। थैंकिंग यू, आपका बहुत। तो उसके लिए हम लिखते हैं योर सिंसियरली एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब हो सकता है आप हो गए, कोई और हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, या जिसका प्रॉब्लम है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के लिए कैसा है लेटर है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कितनी